वेलकम ऑल टू एफ एस सोल्यूशंस, मोहम्मद रफ़ी हियर। सो पहला मैं बताना चाहता हूँ कि जो करोना वायरस का अवेयरनेस है, प्लीज़ हम सब जितने भाई लोग हैं यहाँ जो इस लैपटॉप के प्रोफेशन में हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपना प्रिकॉशंस को मेंटेन कीजिए। पहला, एक एंटी स्टैटिक का अप्रॉन पीजिए, बिकॉज एंटी स्टैटिक अप्रॉन पीने से कहता है, एक तो आपका लैपटॉप जो एसओसी रिपेयर करते हैं तो उसमें भी आपको एक सेफ्टी और सिक्योरिटी रहेगा, और ग्लोव्स पहनिए और एक सैनिटाइजर को बाजू रखिए। सो रेगुलरली आपके हाथ को क्लीन करते रहिए, एंड डोंट फॉरगेट टू वेयर अ मास्क रेगुलरली। मेरे पास यहाँ दो तीन मास्क है, क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, अभी मास्क नहीं पहना हूँ। एनीवे, सो अपनी फैमिली को सेफ रखिए, सबसे पहला हमारा प्रिकॉशन, हमारा जो काम है। दूसरा, हमारे फैमिली का, फैमिली को प्रिकॉशन रखिए, बच्चों से लेके सबके लिए, ठीक है। जब तक ये जो वायरस है इंडिया से बाहर नहीं चल रहा, कंप्लीट 100% नहीं रहता, हम सब इंडियंस क्या करेंगे, एक होंगे। यहाँ वायरस प्रिकॉशन के लिए ना रिलीजन है, ना कास्ट है, ना पॉलिटिक्स है, ना ईद है, कुछ नहीं है। हम सबको अभी इंडियन बनना है। सो ये मौका है कि अपने आप को इंडियन प्रूव करना है, तो प्रिकॉशन से ही प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, जब तक इसका मेडिसिन नहीं आता। एनीवे, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है कि इस बार हमारा सेमिनार जो इंडियन एवेंजर्स का हुआ भुवनेश्वर में, इट वाज अ ग्रैंड सक्सेस ऑफ मोर देन 250। लेकिन अल्लाह का शुक्र इसलिए कर रहा हूँ कि ये जो पैनिक चल रहा है अभी कोरोना वायरस का, और जितना पैनिक है दूसरा भी एक्स वाई जेड, इस सिचुएशन में भी अराउंड 250 मेंबर्स भुवनेश्वर को है, अपना ट्रैवल का एक्सपेंस लेके, सब कुछ अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके वो भुवनेश्वर आए। एंड अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा लगा कि उन सब मिलके हमारे को सपोर्ट किए, और बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। तो जैसे आप जानते हैं कि मेरा कभी भी एक केस स्टडी रहता है जब मैं वीडियो रिलीज़ करता हूँ, आज इंशाल्लाह एक बहुत ब्यूटीफुल केस स्टडी मैं रिलीज़ करूँगा। जैसे कि आप सुना होगा कि एनएम का सीरीज़ जो लेनोवो है, एनएम सीरीज़, इसमें आप कॉमन देखते हैं कि जब हम लैपटॉप तो पूरा वर्किंग रहता है, और जब आप रैम कनेक्ट करते हैं तो बोर्ड रिस्टार्ट होता है, रैम निकाल देंगे तो कांस्टेंट रहता है। सो कितना सिंपल एंड स्टूपिड, मैं इसको एक वर्ड दिया है कि सिंपल एंड स्टूपिड, ठीक है। बशीर भाई मेरे से एक बार पूछे थे कि रफ़ी सर, ये हम बच्चों को इतना सिखाते हैं और आपका भी डीवीडी है, फिर भी हम इनको एक अच्छा एक्सपर्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा करके रफ़ी बशीर भाई मेरे से पूछे। अब बशीर भाई का एक अंदाज़ है, शायरी अंदाज़, आजकल वो शायरी अच्छा कर रहे हैं, तो शायरी अंदाज़ में बताना चाहता हूँ। तो बशीर भाई, एक फ़ारसी की शायरी है, हे चचीज़े खुद बखुद चीज़े न खुद, हे चहाने खंजरे तेगे न शुद, हे चहलवा ई न शुद उस साज़े कर, ता गुलाम में शक्र रे जे न शुद, मौलवी हरगिज़ न शुद मौला ए रूम, ता गुलाम में शम्स तबरेज़ जे न शुद। ये बहुत ब्यूटीफुल शायरी है एक फारसी का, इसका पूरा खुलासा बहुत लंबा है, लेकिन ये इस शायरी मैं बशीर भाई को डेडिकेट करना चाहता हूँ। लेकिन इसका एक छोटा एक इसका मतलब बताता हूँ, ठीक है, इसका मतलब बहुत गहरा ही है, मैं शॉर्टकट में बताता हूँ। ये सब बच्चों के लिए मैसेज है, जो जहाँ भी सीख रहे हैं, जैसा भी सीख रहे हैं। इसका मतलब है शायरी का कि अगर आप समझो एक लोहा रखे हैं, वो खुद बहुत चाकू नहीं बन जाता, अगर उसी लोहे को आप हजारों साल रखेंगे वो तलवार नहीं बनती। कोई जैसे कि एक स्टूडेंट है, एक लाइब्रेरी में बैठ जाएगा, वो कभी प्रोफेसर नहीं बन सकता। बन सकता है क्या? आप कोई भी इंस्टीट्यूट में सीखे होंगे लेकिन आप एक्सपर्ट नहीं बन सकते, ठीक है। इसके लिए उस्ताद और मकसद, ये तो मैंने पहले ही बताया है कि लाइफ में एक उस्ताद और एक मकसद रखो। जैसे कि बच्चे दो तरीके के होते हैं, एक उस्ताद से भी सीखूंगा, इसका मतलब है कोई भी रहने दो उस्ताद, कहीं भी जाऊंगा, पैसा दूंगा, पैसा फेंकूंगा और पैसा सीखूंगा, उस्ताद से भी सीखूंगा। एक दूसरे बच्चे रहते हैं, उस्ताद से ही सीखूंगा। इस तरह के बच्चों को हमने सुपर 20 को हमने इंडिया में फर्स्ट टाइम, मैं प्राउडली अनाउंस करता हूँ, सुपर 20 हमने डिक्लेयर किया है, जो मेरे से और बशीर भाई से सीख के
उनकी इतने जज्बा बना के रखा है कि उन्होंने पहाड़ तोड़ के घर बनाए, अपना रास्ता बनाए और मेहनत करके एक छोटे छोटा पैसा जोड़ के आप खुद का बिजनेस स्टार्ट किया है। बशीर भाई का एक स्टूडेंट है जिसने, संदीप राठौड़, जिसने अपना टू व्हीलर को बेच के बशीर भाई से सीखने आया, आज वो दो दुकान का ओनर है। भानुदास पाटिल जो 6,000 को काम कर रहे हैं, आज ये खुद का दुकान का ओनर है। ऐसे जितने भी सुपर 20, ये नहीं बोलता कि हम दोनों, बशीर भाई और मेरे क्लासरूम में सिर्फ 20 स्टूडेंट्स ही, ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो इस चीज़ को हासिल किया है, लेकिन हम एक सुपर 20, सिर्फ 20 बच्चों को सेलेक्टेड किया है, अगले साल और हम डिक्लेयर करेंगे इस तरह के बच्चों को। मैं बताना चाहता हूँ ब्रदर, अगर आपको भी इस तरह से बनना है, इस शायरी का मतलब यहाँ जुड़ेगा, आपको होमवर्क करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप होमवर्क नहीं करेंगे, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, मेहनत इंसान के लिए शर्त है, अगर मेहनत नहीं करेंगे आपके पास कामयाबी नहीं आएगी। मैं सेमिनार में एक कहावत बोला था, मैं उसको रिपीट करना चाहूँगा, एक ब्यूटीफुल मिसाल, एग्जाम्पल के दो टाइप के बच्चों को मैं क्या करता हूँ, अभी समझिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक बच्चों को एक बैग बैग भर के मैं कॉइन्स दूंगा, दूसरे बच्चे को भी बैग भर के कॉइन्स दूंगा, और दोनों बच्चों को बोलूंगा कि इस बैग में एक 5 रुपए का कॉइन है। पहला बच्चा क्या करेगा, खुश हो जाएगा, उस्ताद सर आप महान हो, आप गुरु हो, अब मैं आपका YouTube सब्सक्राइबर हूँ, आपका चैनल हूँ, आपके साथ मैं अच्छा बहुत नॉलेज देते हैं, इसी तरह केस स्टडीज डालते रहिए, इसी तरह फ्री सिखाते रहिए, हमारे को अच्छा लगेगा। वो कॉइन्स लेकर जाता है, ठीक है। एक दिन वो फ़ोन करके ऐसे ही हमारी तारीफ करके बोलता है, सर मैं एक बोर्ड में अटका हुआ हूँ, प्लीज़ मेरे को हेल्प कर देंगे आगे आकर के। और दूसरा बच्चा जो है, मैं पूछा तुम फ़ोन ही नहीं करते हैं, क्या हुआ, उसमें कॉइन मिला नहीं मिला आपको 5 रुपए का। वो बच्चा बोला, सर आपकी जो पोटली है, बैग है, उसमें सब कुछ, हर कॉइन 5 रुपए का ही है, अगर मैं उसको ध्यान से देखूंगा तो हर कॉइन 5 रुपए है सर, आपको पूछने का जरूरत नहीं, अगर मैंने मेहनत किया तो डेफिनेटली आप मेरे काम के लिए जो सोल्यूशन चाहिए, आपके नॉलेज आपने जो दिया है उसके अंदर है। तो दूसरे बच्चे का मतलब क्या है, हम जो कोर्स देते हैं उसके अंदर सब कुछ दिया है, आपको उसको ढूंढना पड़ता है, ठीक है। पहला बच्चा क्या है, उसको बैग खोलने के लिए पेशेंस नहीं है, ठीक है। उस्ताद के सामने वालों की तारीफ करेगा, उस्ताद की इंस्टीट्यूट की तारीफ करके क्या करेगा, सपोर्ट शॉर्टकट में लेने की कोशिश करेगा, ठीक है। इस तरह के बच्चे क्या हो जाते हैं, वो कल्प्रिट हो जाते हैं, माने वो कहीं ना कहीं हमला हो जाते हैं, ठीक है। नॉलेज कोई डिस्काउंट नहीं, आज तक मेरे को ये फेस में पूछते हैं, सर कुछ डिस्काउंट हो सकता है क्या। मैं बोला अच्छी चीज के लिए कभी डिस्काउंट, मेरे बॉस बोले थे मेरे को एक बार, मेरे उस्ताद, देख रफी अगर तेरी कोई चीज अच्छी रहेगी ना, तेरे को सिर्फ 3 चीज चाहिए, एक इंक्वायरी कर उठाने के लिए तेरे को एक फोन चाहिए, दूसरा उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए तेरे को बिल चाहिए, तीसरा एक कोरियर बॉय चाहिए। अब ये 3 चीज काफी है, ठीक है, अगर अच्छी चीज है तो। मैं बोला मेरा जो नॉलेज है इसमें कोई कमी नहीं है, तो इसीलिए मैं डिस्काउंट नहीं देता और मैं बच्चों से बिजनेस नहीं करता कि इस टुकड़े के लिए ये पैसा, ये सपोर्ट के लिए ये पैसा, मैं बच्चों को सिखाने के मकसद में यकीन रखता हूँ, बच्चों को बनाने के मकसद में यकीन रखता हूँ। इसीलिए हमने खुद साबित किया है इंडिया में इंडियंस को कि हम बच्चों को सुपर 20 जैसा टैलेंटेड बन के उनके पैरों पे खड़ा करके दिखाएंगे करके, और हमने खड़ा करके दिखाया है, बच्चे खुद अपने पैर पे खड़ा होकर दिखाए, अपनी रोजी रोटी खुद कमाने का दिखाया है। अभी जो सिचुएशन सोचिए, अभी ये कोरोना वायरस का सिचुएशन, यहाँ क्या चाहिए, फिजिकल एक्सरसाइज चाहिए, आपको फील्ड में जाना है, मेहनत करना है, धूप में जाना है, इन्वेस्टमेंट चाहिए, कुछ नहीं, यहाँ हमारा टैलेंट यूज होगा। मेरे टेबल पे मैं बैठा हूँ पूरा सेफ्टी के साथ, अपरान और ग्लोव और मास्क लेके साथ, सैनिटाइजर के साथ, ठीक है। अब मेरे पास रोज बोर्ड आता है, कम से कम 5 बोर्ड आ रहा है, ठीक है। आज पूरा मार्केट हिंदुस्तान बंद है, लेकिन मैं अब मेरे टेबल पे बैठ के मैं पैसा कमा रहा हूँ। क्या इन्वेस्ट किया मैंने, मैं मेरा नॉलेज को इन्वेस्ट कर रहा हूँ। सो दिस इज अ मेंटल एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज विल इंप्रूव द हेल्थ, बट मेंटल एक्सरसाइज यू विल इंप्रूव द वेल्थ।
अगर आपको पैसा कमाना है हलाल, अगर हुनर से आपके हुनर के ऊपर मेहनत करो। जैसे मैंने बोला, कोई भी स्टूडेंट अगर एक लाइब्रेरी में बैठाएगा वो कभी प्रोफेसर नहीं बन जाएगा, मौलवी कभी मौला नहीं बन जाएगा, ठीक है। उसके लिए शर्त है, मेहनत शर्त है। मैं जानता हूँ सबके पास यूट्यूब के वीडियोस है, इंस्टीट्यूट्स के वीडियोस है, आपके पास बायोस के वीडियोस है, आपके पास हार्ड डिस्क में भर के बायोस स्कीमेटिक सब भरा हुआ है, लेकिन खोल के ओपन करके आपको उसको पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। यूट्यूब का वीडियोस इतना भरा होगा आपके पास, उसको देखने के लिए टाइम नहीं होगा। करेक्ट, आपको इंस्टेंट सोल्यूशन के पीछे आप कमज़ोर हो गए, ठीक है। एनीवे ब्रदर, एनीवे नेक्स्ट आता हूँ मैं मुद्दे पे, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। सेमिनार में मैंने एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आया था, जिसको मेरे को हमारे दोस्त विनय सर ने इनकरेज किया था कि आज तक सेमिनार प्रैक्टिकल केस स्टडीज के ऊपर नहीं हुआ करके। हमने सेमिनार में बहुत कुछ बताया, कॉमन फॉल्ट्स है, स्पीड बढ़ाने के लिए। उस सेमिनार के बाद बहुत बच्चे अपने टेबल पे हमारे जो नॉलेज के देखे रिजल्ट्स भी लेकर आए हैं, ठीक है। और मैं अभी भी यकीन से वादे से बताता हूँ कि इंसान खुदा नहीं हो सकता, एक दूसरा इंसान रजनीकांत भी नहीं हो सकता। इंडिया में एक ही रजनीकांत है, मैंने कार्टून वाला रजनीकांत बता रहा हूँ। और मेरे बच्चों को मैं जो भी इंक्वायरी आता है या मेरे बच्चों को मैं आज तक सपोर्ट नहीं देता, और फिर भी वो मेरे केस स्टडीज डालते हैं और मैं केस स्टडी को पोस्ट करता हूँ। मतलब माई स्टूडेंट्स प्रूव देयर ओन मेटल बाई डूइंग द होमवर्क, ठीक है। एनीवे मैं ये जो लाइफ टाइम का जो आपको अट्रैक्शन है ब्रदर, अट्रैक्शन नहीं होना। अगर दिवाली में फ्रिज के साथ मिक्सी आ रहा है, मतलब वो फ्रिज एंड ऑफ लाइफ है करके, समझ रहे ना। या तो मिक्सी कोई लोकल वाला है करके, जैसे कि कोई 5,000 का शॉपिंग करो, एक टी शर्ट फ्री, या तो ठीक है, या तो 5,000 में उसने नफा ले लिया होगा। तो सोचिए डिस्काउंट का मतलब क्या है, कोई चीज की कमी है तभी डिस्काउंट दे रहा है। एंड ऑफ लाइफ का प्रोडक्ट है क्या डिस्काउंट देने के लिए? नहीं, नॉलेज कभी एंड ऑफ लाइफ हो ही नहीं सकता। एनीवे सो लेनेवो का एक कॉमन फॉल्ट है, इसमें मैंने एक टेक्निक दिया है, कीप थिंग्स सिंपल एंड स्टूपिड। अगर मैं बेवकूफ बन के मैं इस चीज को सीखूंगा, मैं बोर्ड को ट्रेस करूंगा, डेफिनेटली मेरे लिए इसका सोल्यूशन है करके। वरना क्या होगा, आपको डराएंगे। ये एनएम सीरीज का, एनएम 361 का मैंने वीडियो बनाया हूँ, अभी मैं उसको प्ले करूंगा विथ सोल्यूशन। मैंने कॉन्सेप्ट ये भी लाया था कि मैं प्रैक्टिकल वीडियो सेमिनार में दिखाऊंगा, जो बच्चे उसको आंसर देंगे मैं गिफ्ट भी दूंगा। लेकिन एक बच्चा जो ज़्यादा होशियार था आया, आर्ग्यूमेंट किया, सर ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है। मैं बोला जिस दिन टेबल पे मेरा सोल्यूशन आ जाएगा उस दिन मेरे को याद करेगा करके, और टाइम कंजम्पशन की वजह से मेरे को और वीडियोस प्ले करने को नहीं हुआ। उस वीडियो को मैं आज आपको दिखाऊंगा, इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह। आपके पास जब बोर्ड आएगा, जब आप इस सोल्यूशन को निकालेंगे, सेम फॉल्ट निकलेगा, तब मेरे को याद करेंगे आप एफएस सोल्यूशन को। मेरे को किसी ने सिखाई है, हमने भी मेहनत किया। जो प्रैक्टिकल वर्कशॉप में सुरेंद्र देशमुख, विनोद वेलोरे को पूछी है कि जब हम मेहनत कर रहे थे उस बोर्ड का फॉल्ट पकड़ने नहीं हो रहा था, हम सवेरे 6 बजे तक बैठे थे, अर्ली मॉर्निंग, होल नाइट, अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock, किसी को भी हमने फोन नहीं किया, कहीं सर्च नहीं किया। हमने बोला हमारे पास नॉलेज है लेकिन फॉल्ट हमारे पास क्यों नहीं मिल रहा है। और मॉर्निंग 6 o'clock और जब वो फॉल्ट निकला, हम पूरा सुकून से जाके सोए। और मैं मेहनत का बोल रहा हूँ, मैं आपके लिए चीज़ सिंपल दिख रहा होगा लेकिन हमने उसके ऊपर मेहनत किया, और मैं वो वीडियो आपको ज़रूर इंशाल्लाह दिखाऊंगा। ये क्या करते हैं, जब इस तरह का फॉल्ट मिल जाता है ना, तो उसको डराते हैं, डीरैम रिसेट आ रहा है, सीपीयू रिसेट आ रहा है, उसका एसएम क्लॉक आ रहा है, उसका एलपीसी बन रहा है, कोर बन रहा है, जनरेट हो रहा है, जीएफएस कोर बन रहा है। अम्मा मियाँ इतना पूरा डराने का नहीं है, ठीक है। बच्चों को जितना सिंपल एंड स्टूपिड सिखाओगे, बच्चा उतना ही आगे बढ़ेगा और आपको याद करेगा, ठीक है। या तो आपके कोर्स में सब कुछ सिखाओ तो बच्चा कुछ बन जाए, या बच्चों को डराना छोड़ दो, बच्चों का पैसा मेहनत का है, ठीक है। खैर नहीं सिखाए तो परवाह नहीं, आज नहीं तो कल वो कहीं ना कहीं सीख लेगा। विल कम फॉर द केस स्टडीज। सो ये जो केस स्टडी है इसको आप देखिए, इंशाल्लाह पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 स्टेप बाय स्टेप है, ठीक है, वॉच इट। वेलकम ऑल टू इंडिया रेवेंजर्स केस स्टडी। टुडे वी विल लर्न अबाउट अ केस स्टडी एंड द मॉडल इज NM A 362 लेनोवो मॉडल, and this is the part 1 of the case study. Watch, I am connecting this DC power supply, okay. The RAM is connected, CMOS is connected,
Now I am switching my DC power supply. Watch carefully. You can see it is showing me 7. Means my laptop is ready to power on. So to power on my laptop, it is ready. Here I am switching my power button. Once I switch my power button, watch carefully. The DC reading is going to 379. And it is coming back to 17. Remember, the DC reading going to 379 and coming back to 17. Again, I will repeat, I am pressing the power button. The DC reading is going to 379 and coming back to 7. Now, I will switch off the motherboard. I am removing the RAM. The RAM is removed. Now, I will switch on the DC power supply. Watch the DC power supply carefully. Now I am pressing the power button. Once I press the power button, you can see the DC readings 253. So the DC readings 253. You can see the fan was run once 256. But now it is constant. And now we have a big question mark. What is the issue? When I connected the RAM, the laptop went to shutdown mode. When I removed the RAM, the laptop DC reading is in constant. Again, I will repeat, now in a continuous shoot, I am connecting the RAM, pressing the power button. Now I'll power on the laptop. The laptop goes to on, it's come to shutdown. Okay, same 17 reading. Again, I switch off, remove the RAM, press the power button. Again, I am pressing the switch of the laptop. The reading is constant. So, what can be the issue? This is part 1. We'll go for part 2 again. अभी आपने देखा part 1, ठीक है? मैंने fault के बारे में बताया है कि laptop running और आप जानते हैं कि एक जमाने में जब 2016 चल रहा था 2017 स्कीमेटिक्स का कोई बूम नहीं था. जब मैं इंडिया में इस स्कीमेटिक्स के बूम को लेकर आया, सब लोग स्कीमेटिक मांगना शुरू किया. अभी आप रीसेंट ट्रेंड अगर आप देखेंगे, जब से हमारा वीडियोस मेरा बशीर भाई का सब आ रहा है, जो मैं डीसी पावर का टेक्निक तो कोई सिखा नहीं सकता, उसको आप स्टडी करना पड़ेगा. आजकल उस डीसी पावर सप्लाई के टेक्निक को सब फॉलो कर रहे हैं. बहुत चीज़ें हमारे को फॉलो कर रहे हैं. देख, केस स्टडी दिखाना, केस स्टडी बच्चों का बताना, या हम जो स्कीमेटिक बताएंगे उसी को दिखाना, या जैसे डीसी पावर सप्लाई का रीडिंग को बताना, और एनीवे एक्स वाई जेड. मैं उस चीज़ के मामले में गहराई में आना नहीं चाहता. डीसी पावर सप्लाई ब्यूटीफुल टेक्निक है ब्रदर. 30 मिलीसेकंड जो जिससे मैंने इन्वेंट करके बच्चों को मैं सिखा रहा हूँ, माशाल्लाह बच्चे भी सीख रहे हैं, उस चीज़ को समझ रहे हैं कि डीसी से कैसे ट्रबल शूटना. एनीवे, मैंने यहाँ इस वीडियो में डीसी सप्लाई के बारे में बताया है, ठीक है, और बताया है कि विथ रैम इट इज़ वर्किंग, विथआउट रैम द डीसी रीडिंग इज कॉन्स्टेंट, विथ रैम इट इज़ गेटिंग रिस्टार्ट. सो अभी हम देखेंगे पार्ट 2 ऑफ द वीडियो. Now let us come to the part 2 of the video. In part 2, we will learn about gadgets, which gadgets or what is the procedure to trace. So now we'll check which gadget can help me. So was there a clue? The clue was without RAM. And with RAM. So we have to follow this clue, with RAM and without RAM. And the DC reading. So the shutdown mode is 17. So again we'll have a clue in this. You no need to program any IO controller. Don't do any BIOS. Don't go for CMOS, anything. Because the DC reading already it went to 376. Example. 5676 means the DC reading is high, means it is going to get prepared for display.
because of some issue, the laptop was going for a shutdown. First, let us check with this gadget. The gadget we are going to use is a basic gadget, that is my multimeter. Use a good multimeter. Don't worry about the amount, because the amount will be reimbursed. First of all, we will start with our DC jack. So this is our DC jack. This is a Lenovo DC jack. In our Lenovo DC jack, you all know that the center pin is connected to our adapter ID. First, we will connect the center pin to the ground and check. You can see in my multimeter, it is showing me short. Rule number one. So adapter ID is showing me short. Next. Because positive and negative we will not check. As the VIN is entering the motherboard and VIN is generated and the laptop is also getting powered on. Maybe the starting a basic component which we usually miss in our motherboard. Maybe this is an issue. Now, with the help of schematics, so we are using two gadgets. Gadget number one, I am using my basic component, basic gadget, that is my multimeter. Next, I will use schematics. The schematics will give me a solution. Now, how to understand this case? Now, I will write a box. In this box, I will write my problem. My problem is, when I connect the RAM, the laptop goes to shutdown, force shutdown. When there is no RAM, my laptop is constant. So this is my problem. Now, out of this problem, did I get any clue? The clue was the center pin of the DC jack, that is my adapter ID. Now let us trace the schematics. Here I have opened the schematics. In schematics, I am going to the center part. You can see here, this is my DC jack, DC in. And here pin number 3 is my adapter ID. This adapter ID was showing me short. I have copied this adapter ID. I am going for the find command. When I search, it is going again to one more place, but here I can see a clue. There is underscore on hash G, but I need only adapter underscore ID. Let us go for another clue. If I go here, the same adapter ID underscore on hash, the G is missing. I want only adapter ID. Next. Yes, here you can see I have got one more name which is written as adapter ID. I have got same matching. You can see here the matching present here. It is also matching here. So this sheet, page number 53, is a clue to me. Page number 53, this is a clue. I have to find a solution in page number 53 to repair this motherboard. I will not search the whole 59 pages. Here I have 59 pages. So I will not search the whole 59 pages. Out of 59 pages, I have selected page number 53 and I will find the solution for this. Let me zoom out. If I zoom out, this is a page
and these are the basic components which are related to adapter ID. One, I have adapter on. Another, adapter on underscore G means it is going for the gate. So this is also gate, this is also gate. So for the gate, we will not consider. But the voltage which is coming from my DC jack is nothing but adapter ID. So we will follow the line of this adapter ID where all it is going. It is going to this capacitor. This is going to this capacitor. This is going to the other part drain of this JFET. This is going to a Zener diode. And the Zener diode is connected to ground. So first, instead of removing these two capacitors, I will remove this Zener diode. The Zener diode number is PD304. Now let us check in microscope PD304. You can see I have opened the microscope, and in my DC connector I have two pins which is connected to positive and two pins which are connected to negative. Okay, maybe this is positive or this is positive, so it is not important now. Actually this is positive, this is negative. But the center pin which we saw in schematics is connected to my PD304. So first we will start from the DC jack. The first component which is connected to the DC jack, it is my PD304. Let me remove this PD304. Now we'll watch part number 3 after removing. अभी आपने देखा part 2 of the video. So आपने देखा के कितना sweet and simple, कितना stupid चीज है करके. इसका एक और तरीका भी है ब्रदर, आज उस सीक्रेट को आपको सिखा रहा हूँ, प्लीज समझिए. जब आप इस तरह से प्रॉब्लम आता है आपका बोर्ड, आप जानते हैं कि आपका लैपटॉप अडॉप्टर से भी चलता है और बैटरी से भी चलता है, आप बैटरी को वोल्टेज देके 11 वोल्ट एक बार चेक कर सकते हैं कि आपका बोर्ड डिस्प्ले दे रहा है या नहीं दे रहा है. अगर बैटरी कनेक्ट करने के बाद, अगर मैंने बैटरी कनेक्ट किया, अगर बोर्ड डिस्प्ले दे दिया, इसका मतलब बोर्ड का पावर सीक्वेंस कंप्लीट है करके. आपको सिर्फ अडॉप्टर का जो कनेक्शन है इसको फॉलो करना पड़ेगा, क्यों अडॉप्टर से ऑन ही हो रहा है. ठीक है, दूसरा है डीसी पावर सप्लाई से डायरेक्ट 19 वोल्ट देके देखिए या 20 वोल्ट देके देखिए आपका बोर्ड अपना सर्क्यूट कंप्लीट हो रहा है नहीं करके. इस तरह के केसेस में आपको लेनोवो के जो लेटेस्ट बोर्ड है और एचपी के बोर्ड्स है, आपको केस सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे. ठीक है, नाउ वी विल गो फॉर द थर्ड पार्ट जिसमें आपको देखेंगे डिस्प्ले आया है करके. Now we are in the part 3 of the motherboard. As I told you, first I will remove this component and we will check whether the shot is removed or not. I have removed the diode. You can see I have removed the diode, completely isolated. You can see, but you can see the line is still connected from here to here. That means I have a continuation here. Correct? So this was a diode which was a Zener diode. Now let us check whether the shorting is removed in the DC jack or not. We'll go to our normal camera. Now we are to the normal camera and we can see I am connecting the center pin in my DC jack and I am connecting to the ground. You can see there is no short. So I think we have got the solution. Let us connect the DC jack. By default, I have connected my RAM also. I'll remove the multimeter because the gadget is usage is finished. I will turn the motherboard. I am connecting my pen drive for display. Now let me switch on the DC power supply. See here, I have connected the DC power supply. The reading is 17. I will switch on the motherboard. The ampere same 306, 308. One trigger, the display, you have got the display.
So the case is solved. And congratulations to the gentleman who gave the answer. Welcome to Indian Avengers. अभी आपने देखा पार्ट थ्री. पार्ट थ्री में आपको समझ में आया कि मैं सिर्फ उस डायोड को निकालने के बाद मेरा बोर्ड का रीडिंग जो है विथ रैम कॉन्स्टेंट हो गया और डिस्प्ले भी आ गया. वो ईसी बायस आईओ बायस कुछ नहीं चाहिए. मेरा बोर्ड का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया. कैसे? मैं अपने आप को क्या किया, एक एडवांस इंजीनियर एक एडवांस ट्रेनर से जाके डाउन द लाइन आया, स्टूडेंट्स के साथ बैठा. तो स्टूपिडली अगर मैं ट्रेस करना चाहूँ तो किस तरह से इसका सोल्यूशन मिल सकता है करके मैंने किया और मेरे को उस चीज़ का सोल्यूशन मिल गया. होप ये जो वीडियो देख रहे हैं आप सबको अच्छा लगा होगा. अगर मैं गलती कुछ बोला है तो माफ़ी चाहता हूँ. एनीवे जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अल्लाह आप सबको खैर आफिया दें दे, रहमत दें दे, बरकत दें दे, सुकून दे दे, कामयाबी दें दे, तरक्की दें दे, हलाल रिज़्क दें दे और सेहत दें दे. जो कोरोना वायरस का जो अवेयरनेस चल रहा है, ये फिज़िकल अवेयरनेस जो फिज़िकल प्रॉब्लम चल रहा है इससे भी आपको निजात मिलें दे और जो मेंटल का टॉर्चर मिल रहा है उसे भी आपको निजात मिलें दे. बाकी आप सब खुश रहिए ब्रदर, आप खुश रहिए, आपके फैमिली के साथ खुश रहिए. मे गॉड ब्लेस यू ऑल. ठीक है, इस बार हम इंशाल्लाह दिल्ली आ रहे हैं और दिल्ली में सेमिनार करने हैं. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. मे गॉड ब्लेस यू.